Hello, what's up guys, welcome back to the Gameplay video. And guys, today we are playing Uncharted 4 A Thief's End, Brother Keeper. तो गाइस ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है और गाइस लास्ट पार्ट में हमने देखा कि अपना भाई सैम जो है ना वो हमको छोड़ के चला गया था अकेले ही खजाने की तलाश में। तो गाइस हमको अब तो उसे बचाना ही पड़ेगा क्योंकि रेफ और नडीन के सामने वो कहीं भी टेक नहीं पाएगा। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और सैम को ढूंढते हैं। चल भाई नेथन फटाफट बढ़ता है आगे और देख कहाँ गया है सैम, उसको फॉलो करना पड़ेगा जल्दी से वरना वो किसी मुसीबत में फंस सकता है। ओके ये क्या है? ओके ये तो फुटप्रिंट है और जाहिर सी बात है सैम के ही होंगे, यानी सैम इधर ही गया हुआ है। तो चल भाई नेथन फटाफट बढ़ा आगे और ओतरी और कैसे भी करके हमको सैम को ढूंढना पड़ेगा वरना वो अगर रेफ के हाथ लग गया तो बहुत ही मुसीबत में आ जाएगा। ओ भाई देख के और इधर से हम चलते हैं इधर साइड में। चल चल नेट फटाफट ऊपर चढ़ जा और यहाँ से हमको आगे जाना पड़ेगा इधर साइड में। ओ भाई ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ओके मुझे नहीं लगता कि ये इधर से जाएगा ऊपर। तो क्या नीचे से भी रास्ता है क्या इसका? आई थिंक सो कि इधर से रास्ता होना चाहिए। चढ़ जा भाई नेट फटाफट और इधर से तो रास्ता नहीं है तो हमको इधर से चलना पड़ेगा। चल भाई नेट फटाफट चढ़ जा और सैम को ढूंढना बहुत ही जरूरी है क्योंकि रेफ के हाथ लग गया तो रेफ उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ओके यहाँ पे और फुटप्रिंट्स हैं उसके। चल देख भाई यहाँ कहीं रस्सी फंसाने की जगह तो है तो अभी हमको यहाँ से किधर जाना है? ओके वो ऊपर की तरफ इधर है तो हम लोग स्विंग करके उधर चल सकते हैं। चल भाई नेट जल्दी से स्विंग कर और ये हम आ गए इधर साइड में तो यहाँ से अभी हम ऊपर जा सकते हैं तो चलते हैं फटाफट। चल भाई नेट और सैम इधर ही गया है तो हमको भी इधर ही चलना पड़ेगा। यहाँ से फिर से रस्सी फंसा सकते हैं हम और आगे उधर साइड में जंप कर सकते हैं लेकिन एक बार और स्विंग कर लें, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ओके ठीक है तो हम गाइस इधर आ गए हैं तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा सैम क्योंकि यहाँ पे उनके फुटप्रिंट्स हमें दोबारा मिले हैं। तो सलग गया कहाँ है? ठीक है यहाँ से हम एज पे चलते हैं। भाई नीचे देखो गहराई कितनी ज़्यादा है, अगर हम कहीं बाई चांस भी नीचे गिर गए ना तो अपनी तो लंका लग जाएगी। ओके भाई बहुत ही खतरनाक रास्ता है तो अभी हम यहाँ से ओके इधर साइड को आ जाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। ओ भाई टूट मत जाना बस तुम और यहाँ से वो सामने हमको जाना है। ओ त्री बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है, मतलब इससे खतरनाक रास्ता कोई मुझे नहीं लगता हो सकता है। ओ त्री ठीक है यहाँ से हम ऊपर चलते हैं फटाफट और ये रहा ये एक एज और है तो इसको हम यहाँ से पकड़ सकते हैं। चल भाई नेट इधर आ जा और यहाँ से ऊपर आ सकते हैं। भाई पेड़ देखो कितनी बुरी तरीके से हिल रहा है, हवा कितनी तेज चल रही है। ओके ये तो किसी का कैंप लग रहा है यहाँ पे। ओके तो यहाँ से हम दूसरी तरफ स्विंग कर सकते हैं। चल भाई नेट फटाफट दूसरी तरफ आ जा और यहाँ पे भी फुटप्रिंट्स हैं उसके सैम के। आई थिंक ये किसी और के भी हो सकते हैं लेकिन ताजे फुटप्रिंट है तो सैम के ही होने चाहिए। ओ भाई केव में आवाज हमारी इतनी बुरी तरह गूंज रही है ना, कहाँ गया है यार सैम तू, मतलब ओ तेरी जल्दी से चल दूसरी तरफ। ओ नो ठीक है बाल बाल बचे हम क्योंकि प्लैंक टूटने वाला था जो प्लैंक्स का ब्रिज था। ओके इधर चल सकते हैं हम। ओके गाइस इधर चलते हैं इस बार हम और देखते हैं कि हमको रास्ता कहाँ पे मिलता है। ये तो फुटप्रिंट्स और भी हैं और यहाँ पे थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। ओ भाई जंप कर नेथन जल्दी से। ओके ठीक है हम बाइज्जत और खुशी खुशी दूसरी तरफ आ गए लेकिन बस ओ शिट व्हाट द। ओके अब यहाँ से तो हमारा भगवान ही मालिक है। ठीक है खैर मालिक ने बचा लिया हमको और हम आ गए हैं दूसरी तरफ लेकिन यहाँ से हमको जाना किधर है? ठीक है यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे। भाई ज़्यादा ड्रॉप मत कर देना, पहले बिल्कुल नीचे पहुँच जाए। ठीक है ये देखो एक और सुरंग हमको मिली है यहाँ पे तो इस सुरंग चलते हैं। भाई कितने खतरनाक रास्ते हैं यार। ठीक है यहाँ से ऊपर चढ़ जा नेट और आगे। ओ भाई
यहाँ से नीचे जा सकते हैं? यस, मुझे नहीं लगता कोई खतरा है यहाँ पे। और इधर देख लेते कुछ है क्या, कोई खजाना बजाना कुछ भी। ओके ये देखो, एज आई थिंक यहाँ पे हमको एक छोटा मोटा ट्रेजर मिल गया। खैर चल भाई, नेट चढ़ जा ऊपर अब, क्योंकि सैम को हमें बचाना है तो उसको ढूंढना भी पड़ेगा। ओके इधर चलते हैं। ओ भाई किल्ली गार्ड, किल्ली गार्ड। ओके यहां से हम दूसरी तरफ आ जाते हैं। और ओत्री, ओके नेट फिर से फंसा और इस वाले पत्थर की तरफ चल। और यहां से हम रस्सी फंसा के दूसरी तरफ जा सकते हैं। ओ भाई रस्सी तो मैंने फंसा दी, लेकिन ओके वो उधर एक मुझे जगह और लग रही है रस्सी फंसाने की, तो ठीक है जंप करते हैं। ओ भाई, ओ शेट, ओके मैंने फाइनली रस्सी फंसा दी। ओ भाई जंप कर नेट, शिट, ऑफ। हो थैंक गॉड कि यहाँ पे मेरी जान बच गई, वरना मुझे लगा मैं तो गया। आई मेड इट। नेथन को खुद भरोसा नहीं हो रहा है कि मैंने ये पार कर लिया। ठीक है यहां से नीचे चलते हैं। और अभी हमको ओके वो सामने दीवार लग रही है जो भुरभुरी है, तो ठीक है। ओ भाई एवरी का शिप मिल गया हमको, तो चलते हैं नीचे की तरफ। और एवरी के शिप में चलेंगे तो जाहिर सी बात है मुझे खजाना मिल सकता है एवरी के शिप में। ठीक है चल भाई नेट, जल्दी जल्दी नीचे उतर। और यहां से दूसरी तरफ जा सकता है क्या? ओके मुझे इधर जाना पड़ेगा और यहाँ से इधर जंप करना पड़ेगा, और यहाँ से तो हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। ठीक है नेट, यहाँ से नीचे तो नहीं उतर पाएगा तू, तो अपने को कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओके ये इधर से रास्ता लग रहा है मुझे। ठीक है एक ड्रॉप करते हैं, और ये यहाँ पे हम ये एज पकड़ के ऊपर आ सकते हैं। तो चल भाई नेट से हम वापस इधर चलते हैं, और इधर से ये पत्थर पकड़ के हमको इधर आना पड़ेगा। तो गैस यहाँ से हमको फिर ऊपर जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद दूसरा कोई रास्ता होगा, वहाँ से नीचे जाना पड़ेगा एवरी के शिप में। और जाहिर सी बात है एवरी के शिप में ही पूरा खजाना लदा होना चाहिए। ओ तेरी, ओ नो, भाग 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 नेथन, वरना एल लग जाएंगे। ओके ठीक है अभी हम इधर बढ़ सकते हैं। और यहाँ से कोई रास्ता है क्या? ओ भाई फिर से स्लिप वाला, स्लिप करने वाला। ओ भाई देख के नेथन, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हुआ तो तेरा गेम बच जाएगा। ओ शेट, ओके चल 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 इधर चल। और यहाँ से ओके सही जा रहा है, सही जा रहा है भाई, सही जा रहा है। सामने कुछ रस्सी वस्सी पकड़ ले, यस। ओह शिट वो तो टूट गया, तो अभी हम नीचे आ गए पानी में, लेकिन अपनी जान बच गई। हो थैंक गॉड कि हम यहाँ पे आ गए हैं। सैम तूने इतना सब किया है क्या? इसको तो भरोसा नहीं हो रहा है। ठीक है और देखते हैं कि कोई और रास्ता हमको मिलता है क्या इधर। ओके उधर वो सामने मुझे कोई रास्ता होना चाहिए यार, यहाँ पे नेट। ठीक है पानी के अंदर ही देखना पड़ेगा, तो पानी के अंदर देखते हैं कि रास्ता किधर से है। मुझे तो लग रहा है कि पानी के अंदर से ही रास्ता होगा। ओके ठीक है हम दूसरी तरफ आ गए हैं, और यहाँ पर से मे भी रास्ता होना चाहिए। तो चल भाई नेट, रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन हमको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेजर जरूर मिल गया। तो गैस अब हमको देखना है कि रास्ता किधर से। ओके ये रहा, ये एक पतली सी यहाँ से सुरंग है, तो भाई चलते हैं यहाँ से, क्योंकि यही इकलौता रास्ता होना चाहिए। और यहाँ से किधर जाना है? ओके वो मुझे लग रहा है कि इधर साइड में, लेकिन भाई हमको डाइव मारना पड़ेगा। तो चलते हैं जल्दी से डाइव मार के, और जल्दी पहुँचना पड़ेगा, वरना अगर अपनी सांस छूट गई तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है हम यहाँ पे दूसरे किनारे पे आ गए हैं, और यहाँ पे मुझे कुछ हलचल हो रही है। ओ गॉड यहाँ पे तो नेडीन और रेव सारा खजाना हेनरी एवरी के शिप से उठाकर अपनी बोट में भर रहे हैं। ओके वो सैम एक बोट लेके गया है, तो उसके दिमाग में चल क्या रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग तो साला पूरा खजाना भर ले रहे हैं। सैम जस्ट स्टोल आवर गॉड डैम बोट। तो ये अभी और खजाना मतलब छोड़ना ही नहीं चाहता है कि एवरी के शिप में कुछ भी छूट जाए, लेकिन इतना ज्यादा खजाना है। खैर और नरेन का कहना है कि जितना हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है उतना लेके चलते हैं।
और अपने आधे से ज्यादा आदमी तो मार चुके हैं क्योंकि सैम और नेथन ने ऐसी वाट लगाई है इन लोगों की, लेकिन रेफ जो है एक भी सिक्का छोड़ के जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वी हैव मिलियंस इन गोल्ड राइट हियर। तो भाई अब इतना लालच भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि लालच बुरी बला है भाई। और ओ भाई नेडीन से पंगा मतलब यहाँ पे हम इतिहास का सबसे बड़ा खजाना चुराने वाले हैं और तू बस चिल्लर लेके जाने की बोल रही है। ओके, अब इसका दिल बदल रहा है क्या? और रेफ जो है भाई एक भी सिक्का नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। ओ थ्री, ओ ओ, ये तो रेफ के ही साथी हैं तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर गन तान दी। और नेडीन का अब इससे मोह भंग होना तो बनता है। चल भाई, Thing about mercenaries, Nadine. Their loyalty, it's bought. It's not earned. Okay, पहले ये नेडीन के आदमी थे, रेफ ने इनको और ज्यादा पैसा दिया तो भाई ये रेफ की तरफ हो गए। मतलब कि इनका खुद का कोई ईमान धर्म नहीं है और इनको जो ज्यादा पैसा देगा भाई ये उसकी तरफ हो जाएंगे। खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं। Let's go make history. और लेट्स गो मेक हिस्ट्री। तो भाई ऑटा गर्ल, ठीक है अब ये लोग जा रहे हैं पूरा खजाना बटोरने के लिए, लेकिन हमको भी पीछे नहीं रहना है भाई। खजाना हम भी चाहते हैं, इतनी मेहनत करी है कि और उस शिप से इतना ज़्यादा खजाना इन लोगों ने उतार भी लिया है, लेकिन अभी बहुत सारा खजाना है उस पर जिसके लिए इनको कई सारी बोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बोट तो सैम ले गया है, तो वो बात जो है इसको रेफ को बहुत ही बुरी लगी है। खैर ठीक है, बढ़ते आगे और देखते हैं कि यहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी तो फिलहाल वो शिप की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ ऊपर जा सकते हैं। तो चल भाई नेट, जल्दी से कोई रास्ता ढूंढ के। ओके इधर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ओके वो उधर से रास्ता है। ओ भाई फिश देखो कितनी सारी हैं। खैर हम यहाँ पे खजाना देखने आए हैं, फिश देखने नहीं। तो अभी हम बढ़ते आगे और कहाँ से ऊपर जा सकते हैं। ओके यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं, तो चल भाई नेट फटाफट ऊपर चल ले। तो गाइस यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस गेम का लास्ट चैप्टर होने वाला है ये और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो गाइस देखते रहे वी गेमर्स, और वो सामने जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, भाई उसे दबाओ ना, चैनल पे पहली बार आए हो यार। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, और इस सीरीज का लास्ट वीडियो होने वाला है वो। तो गाइस देखते रहे वी गेमर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, अस्ता ला विस्ता।